सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो क्षेत्र में आपने जो राजनीति हमेशा के लिए देखी वो सच्चाई की राजनीति रही है और समर्पण की राजनीति रही है। आपने देखा कि सोनिया जी ने दिन रात आपके लिए काम किया, दो वजहों से किया। सबसे पहले कि वो अच्छी तरह से समझती हैं कि उनको नेता आपने बनाया है, कि जितनी भी शक्ति उनके पास है वो आप ही की देन है। तो ये बात ये बहुत स्पष्ट तरह से और अच्छी तरह से समझती है। आप उनके दिल में आपके लिए बहुत प्रेम है और आपके बीच आई है, आपकी समस्याओं को सुनी है, बार बार दौरे लगाए यहाँ सब चीज समझने के लिए कि किस तरह से आपका विकास हो सके और आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कैसी कोशिश की जाए। तो एक तरफ तो आपने ये राजनीति देखी है, दूसरी वजह ये है कि इंदिरा जी से बहुत प्यार करती थी, यह इंदिरा जी की कर्मभूमि रही है और सोनिया जी के लिए ये तरह से पवित्र भूमि। तो इन दो वजहों से उन्होंने आपके लिए अपने आप को समर्पित किया और खूब काम किया क्षेत्र में। एक तरफ आपने ये राजनीति देखी, दूसरी तरफ देश भर में जो राजनीति चल रही है, जो भाजपा की राजनीति है, उसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। वो राजनीति मुख्य तौर पर प्रचार की राजनीति है। 5 साल पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रचार किए, यहाँ आकर सबको कहा कि 15 लाख रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे, आपको कहा कि 2 करोड़ रोजगार नौजवानों के लिए हर साल बनेंगे, आपको कहा कि किसान की आमदनी दुगनी होगी। अब आप खुद बताइए किसी को रोजगार मिला, किसान की आमदनी दुगनी हुई? उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सुरक्षित बनाया जाएगा, महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया तो परियोजना के जरिए आया कि इनकी सरकार के जरिए आया? तो आप सोचिए कि प्रचार तो बहुत बड़े बड़े किए, आज भी करे जा रहे हैं। आज सुबह मैंने इश्तिहार देखा कि बिजली की बिल पर भाजपा की सरकार ने तलवार से बिजली की बिलों को काटा है। और कल मैं अमेठी में थी, कल मुझे एक महिला ने मुझे 35,000 रुपए की बिजली की बिल दिखाई रोते हुए। उसके साथ जो महिला बैठी थी उसने कहा कि दीदी ये तो 35,000 है, मुझे तो 50,000 की बिल मिली है। तो आप सोचिए कि इनके प्रचार में और इनके करने में कितना फर्क है। जो इन्होंने कहा था वो इन्होंने किया नहीं। प्रधानमंत्री की ये स्थिति है कि मैं उनके क्षेत्र वाराणसी में गई तो मैंने जब पूछा कि वो यहाँ आते हैं तो मुझे बताया गया कि 5 सालों में एक भी गांव का दौरा नहीं किया है, एक भी गरीब परिवार के घर जाकर हालचाल नहीं पूछे हैं। अमरीका गए, वहाँ के राष्ट्रपति से मिले, रूस गए, चीन गए, जापान गए, ढोल बजाए वहाँ, पाकिस्तान गए, बिरयानी खाई, सब कुछ किया, लेकिन अपने क्षेत्र में एक भी गांव के अंदर नहीं जा सके। उतना समय नहीं निकाला उन्होंने अपनी ही देश की जनता के लिए। ये समय जरूर निकाला है कि बड़ी बड़ी सभाएं हो, टीवी पे पूरी देश दुनिया को लगे कि सब उनके उनका समर्थन कर रहे हैं, और तमाम ऐसे ऐसे प्रचार हो जिससे ऐसा लगे कि भगवान जाने देश में कितना विकास हो रहा है 5 सालों में, कि जनता सोचे कि चलो कहीं और हुआ होगा, एक दिन मेरे यहाँ भी मेरे द्वार आ जाएगा, लेकिन कहीं नहीं हो रहा है। बहनों और भाइयों, कहीं नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ किसान इतना दुखी है, इतना परेशान है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे कहता है कि उपज का दाम नहीं मिल रहा है, कि बीज और खाद नहीं मिल रहे हैं, कि कर्ज में डूब रहा है, सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। और सबसे बड़ी समस्या जो पूरे उत्तर प्रदेश में है कि आवारा पशु पूरी रात उसका खेत चरते हैं। आप पाकिस्तान से सुरक्षित करने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सब बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान से आप हमें सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन किसान को कम से कम उसकी खेती तो सुरक्षित रखिए पहले, कम से कम किसान की खेती सुरक्षित रखिए। ये कहा गया था कि गौशालाएं बनाई जाएंगी, ये कहा गया था कि बाड़े बनाए जाएंगे,
जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं पूछती हूँ, प्रदेश सरकार ने गौशाला और बाड़े बनाए? एक मिला मुझे, मैं ढाई महीनों से घूम रही हूँ उत्तर प्रदेश में, एक बाड़ा मिला फैजाबाद में। और उस बाड़े की स्थिति भी मैं बता देती हूँ। बाड़ा नया नया बनाया गया था क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, किसान नाराज है, अभी जल्दी से कुछ कर लेते हैं ताकि हम पे नाराजगी ना आए, इसलिए जल्दी जल्दी से वो बाड़ा बनाया गया था। उसमें छाए की कोई जगह नहीं थी, पानी नहीं था, पशुओं के खाने के लिए कोई चारा नहीं था, ऐसे ही पड़े थे बेचारे। और जो हमारे वहाँ के उम्मीदवार है श्रीमान खत्री जी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे मर भी जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं। तो इनकी नीयत ये है कि बस प्रताड़ित करना है जनता को, जनता की जरूरतों को नकारना है, समय समय पे ऐसा प्रचार करना है कि जनता को लगे कि भारत सुनहरा दौर है इस देश का, ताकि जब चुनाव आए जनता समर्थन दे और हम और आगे बढ़े, हमारी सत्ता बढ़ती जाए। इनको सिर्फ सत्ता का, अपनी सत्ता की परवाह है, सत्ता की चिंता है, आपकी कोई चिंता नहीं, पूरी तरह से हर इनकी हर नीति में दिखता है। और यह भी दिख रहा है, बहुत स्पष्ट हो चुका है कि इनका जो नाता है जनता से वो पूरी तरह से टूट गया। कांग्रेस पार्टी की घोषणाएं एकदम अलग है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही अलग है। कांग्रेस चाहती है आपकी भलाई, कांग्रेस समझती है कि सत्ता आपकी है, शक्ति आपकी है, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करती। हम यहाँ आते हैं, आप शिकायत करते हैं, डांटते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ चलो कुछ काम किया है लेकिन और काम करने की जरूरत है। हमें डर नहीं लगता, हमें भय नहीं है आपकी आवाज के उठने से। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज मजबूत बने। आप डांटे, आप बोले कि ये काम नहीं हुआ हमारा, इसको भी करके दिखाओ। ऐसे ही लोकतंत्र मजबूत होता है जब जनता की शक्ति जनता के हाथों में आती है। इनको देखिए, अनुदेशकों ने, शिक्षा मित्र ने, रोजगार सेवकों ने, आंगनवाड़ी की महिलाओं ने, आशा बहुओं ने जब प्रदर्शन किया कि हमें मानदेय नहीं मिल रहा है, तो इनको पीटा गया और देशद्रोही का कानून लगाया गया, जेल में डाला गया। किस लिए भाई? अपना अधिकार तो मांग रहे थे ना। तो कब से इस लोकतंत्र में ये सिलसिला शुरू हुआ है कि अपने अधिकारों की जब जनता मांग करती है तो जनता को पीटा जाता है, जनता की आवाज दबाई जाती है और जनता पर ऐसे कानून लगाए जाते हैं कि उसको कहा जाता है कि आप देशद्रोही हो। क्या इस दुनिया में एक ही देशभक्त है? हम सब देशभक्त हैं और सबसे बड़ी हमारी देशभक्ति तो यही है ना कि हम अपनी शक्ति अपने हाथों में लें। आप नौजवान खड़े हैं, आप में ऊर्जा है, आप देश को बनाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, क्या आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते? आपको तो आवाज उठाने का अधिकार है, दबाने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि सबकी आवाज दबाना चाहती है, लोकतंत्र को दुर्बल बनाना चाहती है। जिन संस्थाओं से जनता के अधिकार सुरक्षित रहते हैं उन संस्थाओं को तोड़ना चाहती है। ये जो वोट है, ये जो वोट है सबसे बड़ा हथियार है आपका। आपको अपने बच्चों का भविष्य मजबूत रखना है तो इस देश को मजबूत रखना पड़ेगा, इस देश की मजबूती को समझना पड़ेगा कि आप ही हैं और कोई नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश को सुरक्षित रखें, कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, कि आगे बढ़ने के लिए सब इकट्ठे आगे बढ़े, कि कोई ऐसी पार्टी राज न करे जो फूट फैलाए आपके बीच में, क्योंकि फूट से सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का फायदा होता है, आपका कभी फायदा नहीं होता। जब नुकसान होता है, दंगे होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो किसका फायदा होता है? जनता का तो फायदा नहीं होता ना, जनता तो दुखी होती है चाहे किसी भी मजहब की हो। नुकसान जनता का होता है, आपके घर जलते हैं, आपके बीच फूट फैलती है, आप में भय फैलता है। तो समझ लीजिए कि इनकी राजनीति की असलियत क्या है। इनकी राजनीति की असलियत यही है कि किसी भी हालत में ये सत्ता को अपने पास रखना चाहते, बस, और कोई असलियत नहीं। और जो असली सच्ची राजनीति है वो सच्ची राजनीति कभी ऐसा नहीं करेगी, वो सच्ची राजनीति हमेशा सत्ता को जनता के हाथों में देती रहेगी और जनता के हाथ में। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिवारों के भविष्य के लिए,
और अपने देश के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए आप ऐसी ही राजनीति को बढ़ाएं। 6 तारीख को चुनाव है, हमारा ये कहना, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी कहानी सुन लीजिए। वो पहले कांग्रेस में थे, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। जिला पंचायत के चुनाव में हमने मदद की उनकी, हमने सोचा जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे, खूब तरक्की करवाएंगे हम इनसे। अब इन्होंने खुद की तरक्की कर ली। पांव छूते थे मेरे, कहते थे दीदी बहन हो आपको तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। कुछ महीनों बाद पता चला कि भाजपा में चले हैं, वहां से मेरी माताजी के खिलाफ बहुत वफादारी दिखा दी। लेकिन इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि इंसान का चरित्र क्या है। इंसान के चरित्र को समझना बहुत जरूरी होती है, होता है राजनीति में। जो किसी पार्टी किसी विचारधारा के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते, वो जनता के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे। तो आज आपसे वोट मांगने आते हैं वो तमाम चीजें उनके सीधी कह के जाते हैं। मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती, बस यही कहूंगी कि आप में बहुत विवेक है, आप सब समझते हैं, सोनिया जी को जानते हैं और उनको भी जानते हैं। आप समझदारी से जिम्मेदारी से अपना मन बनाइए और 6 तारीख को जब आप सोनिया जी को भारी बहुमत से जिताएंगे, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आएगी, तो ये जितने भी प्रोजेक्ट रोके गए हैं आपके क्षेत्र में सारे चालू करवाएंगे और इस देश को इस क्षेत्र को मजबूत करवाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत इंतजार किया, बहुत आभारी हूँ मैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।